रायपुर में आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसे मीसा बंदियों के लिए सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को सपरिवार के साथ सीएम निवास पर आमंत्रित किया गया था। सम्मान समारोह में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और मीसा बंदियों पर पुष्प वर्षा की। मीसा बंदियों के सम्मान कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि आपातकाल की याद में काला दिवस मनाते हैं, मैं लोकतंत्र के सेनानियों को नमन करता हूँ। इस देश में आपातकाल थोपा गया था, इंदिरा गांधी ने पीएम बने रहने के लालच में आपातकाल लगाया था। इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोकतंत्र सेनानियों को जेल में रखा गया था। सीएम साय ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के अधिकारों को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है, हालांकि इस कार्यक्रम के जरिए लोकतंत्र सेनानियों को जोड़ने का काम हो रहा है, ये अच्छी पहल है। पिछली सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी थी, हमारी सरकार ने पेंशन शुरू की है, 5 साल की रोकी पेंशन एक साथ देने का काम किया गया है। सबसे पहले आप सब लोग दूर दूर से हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सबको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ। पच्चीस जून को आपातकाल के यादगार में काला दिवस मनाते हैं और कल पूरे देश में काला दिवस मनाए। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी के साथ हम लोग विचार किए कि 25 तारीख को तो पूरे देश में अलग अलग जगहों में कार्यक्रम रहता है, लेकिन एक ऐसा तिथि तय किया जाए कि पूरे प्रदेश के जो हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं, बहुत जन हम लोग को छोड़ के चले भी गए हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं, एक बार उनका दर्शन करने की हमारी बड़ी इच्छा है। तो आदरणीय सत्यजानंद जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। आज ये 26 जून का ये दिन, और मुझे मालूम है कि आदरणीय सत्यजानंद जी इस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को फोन से भी बोल सकते थे या निमंत्रण कार्ड भेजवा सकते थे, लेकिन स्वयं जगह जगह जाकर सबसे मिलकर आप सब लोगों को आमंत्रित किए हैं और आप सब लोग आए हैं। पुनः मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज लोकनायक जयप्रकाश नानाजी देशमुख, स्वर्गीय लरंग साय जी, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी, स्वर्गीय नरहरि साय जी सहित सभी लोकतंत्र के सेनानी जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, उनको मैं सत सत नमन करता हूं। और आज जो यहां पर उपस्थित है उनके परिजन और लोकतंत्र के सेनानी, उनको भी मैं नमन करता हूं। क्योंकि भोजन भी करना है, समय भी ज्यादा हो रहा है और हमारे पूर्व वक्तागण सब बोल चुके हैं, इसलिए मुझे लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालूम है कि 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल थोपा गया था। उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका लोकसभा का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट निरस्त कर दिया था और प्रधानमंत्री बने रहने के लालच में उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करवा दिया था, और वो आपातकाल को सोचकर ही मन सिहर जाता है। हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन वो परिवार कैसे कष्ट में रहा हम सब लोगों को मालूम है। हमारे परिवार से भी, हमारे ताऊ
स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साई जी वो मीसाबंदी थे, 19 महीना वो जेल काटे और जब 77 में चुनाव हुआ तो रायगढ़ से सांसद हुए और मोरारजी भाई की सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन हम अपने बीच में और कई लोकतंत्र सेनानी को देखते थे। एक बालकृष्ण शर्मा कुलपुरी थे जिनको लोग देवकी महाराज के नाम से ज्यादा जानते थे। अपने परिवार में इकलौता वो कमाने वाले थे और वो जेल चले गए, 19 महीना जेल में रहे और वो बताते थे कि उनके जेल चले जाने के बाद उनका परिवार कैसे कष्ट सहा। मतलब चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था ऐसे परिवार में। वो बताते थे कैसे कैसे कष्ट सहे और जब हम उनके घर में जाते थे तो उनके बेटा बेटी हमेशा उनको उलाहना देते थे कि आपने हम लोगों के लिए क्या किया, कुछ तो किए नहीं, आज हमेशा उपदेश देते रहते हो। इस तरह से उलाहना उनको देते रहते थे उनके बच्चे। तो ऐसे और भी अनेक परिवार होंगे जिनका घर इस इमरजेंसी के कारण, आपातकाल के कारण बर्बाद हो गया। लोकतंत्र में जो अधिकार होता है वो छीन ले गया था, मीडिया जगत का अधिकार छीन लिया गया था। कहते हुए भी दुख लगता है कि कैसे सबको जेल में ठूंस दिया गया, कैसे बर्बरता के साथ नसबंदी हुआ। कुमारे लोगों का भी नसबंदी हो गया कि इस कहते हुए भी शर्म लगता है। ये इमरजेंसी में इस देश के लोगों के साथ ये बर्बरता हुआ, ये सब आप सब लोग जानते हैं। और इसके यादगार में हम लोग 25 जून को काला दिवस मनाते हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री सच्चिदानंद उपासने जी को, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी संघ का गठन किया है और जो हमारे प्रदेश में अब तो ये पूरे राष्ट्र में हो रहा है, सबको जोड़ने का एक प्रयास उनका, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और पिछले समय वृंदावन भवन में हमको बुलाए थे, जितने भी प्रदेश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लोकतंत्र के सेनानी थे, और उनका एक आग्रह था कि जो पिछले 5 वर्षों में उनका जो सम्मान राशि रोक दिया गया था वो फिर से चालू किया जाए। तो उसको हम लोगों ने चालू किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया। और ये कोई बड़ी राशि नहीं है लेकिन एक सम्मान है जिसको आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों ने आशीर्वाद देकर हम लोगों को सरकार पर बैठाया, तो उसको कर पाने में हम लोग सफल हुए। और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं श्री उपेंद्र चौधरी जी, उनको हमने कहा कि आप ऐसा रास्ता निकालिए कि पिछले 5 साल का उनको इकट्ठे एक बार में मिल जाए, ताकि थोड़ा एक साथ कोई बड़ी राशि हो जाएगा तो कुछ काम आ जाएगा। तो वित्त मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने रास्ता निकाला और बहुत जल्दी हम लोग 5 साल का इकट्ठे मतलब देने में हम लोग सफल हुए। और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं लोकतंत्र सेनानी संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये संघ और बड़ा होता रहे और हर साल इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते रहें।